सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, मैं डॉक्टर ममता शर्मा अज हाजिर हाँ तुहाडे अगे एक नवा टॉपिक लैके मैंसुरल हाइजीन। ये मेरे लिए वैसे भी एक बहुत ही मेरे दिल दे कोल है टॉपिक, क्योंकि मैं बच्चियाँ मैनू बहुत पसंद है और मैं हमेशा चाहती हाँ कि उन्हां दी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे। तो उहदे लई मैं तुहानूं बच्चियाँ दे लई स्पैशली बच्चियाँ नूं अपने घर च जे तुहाडीआं छोटीआं बच्चियाँ भी हैं तो उन्हां नूं एक काइंडली ज़रूर दिखाओ और अगे भी जे तुसीं किसे नाल शेयर करना चाहते हो तो जरूर करना। मैंसुरल हाइजीन का मतलब है कि जदों भी पीरियड्स किसी भी बच्चे दे आते हैं वह चाहे 2 दिन आन चाहे 7 दिन आन दोनों ही नॉर्मल होंगे हैं, तो इन्हां दिनों दे विच सानूं की ध्यान रखना चाहिए है उसते अज मैं तुहाडे नाल गलबात करना चाहाँगी। सब तो पहला तो बच्चे इन्हां दिनों दे विच सब तो इंपॉर्टेंट है क्लीनलीनैस, कि तुसीं अपने जिहड़े भी लोअर पार्ट है इनू अच्छी तरह ताज़े पानी के नाल जरूर धोना है, साबुन का इस्तेमाल घट तो घट करना है और जे कोई बच्चा हाइजीन वॉश यूज़ करना चाहता है तो काइंडली ये ध्यान रखे कि उसते एक वर्ड लिखा होना चाहिए पीएच बैलेंस, क्योंकि जे असी ज़्यादा साबुन या दूसरिया चीज़ा यूज़ करते हैं तो वह वजाइना का पीएच जड़ा है वह एसिडिक तो चेंज हो जाता है और इनफेक्शन के चांसिस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, आजकल बच्चों को थोड़ी जी कन्फ्यूजन ये हो रही है कि पीरियड्स के दौरान यूज़ की करना चाहिए। बच्चे उदले एज आ डॉक्टर कह लो एज आ फैमिली फ्रेंड कह लो मैं तुहानू 3 चीज़ा दसूँगी और जिहड़ा तुहानू बेस्ट है वह भी दस दूँगी। एक तो सैनिटरी नैपकिनस जिहड़े कि अजकल नॉर्मल सब नू पता ही है कि यूज़ करने चाहिए हैं, दूसरा है टैंपूनस और तीसरा हुंदा है कप। इन्हां दे विच्चों सब तो बेस्ट ऑप्शन तो है वह सैनिटरी नैपकिनस की है। उहदे च तुसीं की प्रिकॉशन लै सकते हो कि स्किन फ्रेंडली एलोवेरा वाले सैनिटरी नैपकिनस बेटा यूज़ करो, वह ज़्यादा बैटर है। दूसरी ऑप्शन जिहड़ी है वह आती है टैंपूनस की। टैंपूनस अजकल एक बहुत ट्रेंड चल रहा है कि बच्चों को यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं तुहानू एज अ फैमिली फ्रेंड ये कहना चाहती हाँ कि जिहड़े टैंपूनस हैं इन्हां नू यूज़ कर सिर्फ जिहड़े स्विमिंग वाले बच्चे हैं काइंडली वह यूज़ करन, और अगर टैंपून तुसी यूज़ करना भी चाहते हो तो इनू काइंडली 2 घंटे बाद चेंज जरूर कर लो। ये एक थ्रेड लग्या हुंदा उहदे नाल इनू रिमूव कर लो, क्योंकि ये 3 घंटे तो ज़्यादा जे किसी के अंदर रह जाए तो इन्हों की अबजॉर्बेंट शक्ति इन्नी ज़्यादा होंदी है कि अंदर जाके फुल जाते हैं। कई बार इन्हों रिमूव करना बच्चे लिए मुश्किल हो जाता, तो उहदे नाल ओह कई बार TSS टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम च भी चले जाते हैं, जिहड़ा कि बच्चे नूं तां पता नहीं हुंदा, उहनूं वॉमिटिंग घबराहट और कई बार बच्चा जिहड़ा है वह फेंट होकर गिर भी जाता, फिर उहनूं एक डॉक्टर कोल ले जाके उहनूं रिमूव करवाना पैंदा। तो बच्चे इफ कि तुसीं चाहते हो कि तुसीं स्विमिंग च जा रहे हो उत्थे, क्योंकि तुसीं नहीं पैड यूज़ कर सकते, कई बच्चों उन्हां दिनां दे विच स्विमिंग तो ऑफ लेना पैंदा, तो इस करके उत्थे तुसीं टैंपून यूज़ करो और जिस तरह ही तुसीं अपना प्रैक्टिस कर लैंदे हो इमीडिएटली इन्हां नूं रिमूव करो। तीसरा, बच्चे कप्स अजकल बहुत यूज़ करन लग गए। कप्स दे लई मैं ये अवेयरनेस करना चाहती हाँ कि प्लास्टिक ना ही अंदर एंटर करो तो बैटर है बेटा। उहदे लई ये है कि एक तो तुसीं वॉश कर सकते हो, तो बार बार रीयूज़ करन वाली चीज़ मैं नहीं रिकमेंड करांगी, मैं यही गल कहंदी हाँ कि जिहड़ी चीज़ यूज़ करनी है यूज़ एंड थ्रो, ठीक है। और तीसरी अवेयरनेस बेटे जिहड़ी मैं देना चाहती हाँ, हाउ टू डिस्पोज ऑफ जिन्हें भी सैनिटरी नैपकिनस हैं इन्हां नूं काइंडली एक कागज़ दे विच या न्यूज़पेपर या कोई पॉलीथिन ये विच रैप करके ही थ्रो करो, क्योंकि इन्हां ते जिहड़ा ब्लड है जे उहदे ते मक्खी बैठेगी या कोई होर चीज़ वो तुहाडा इनफेक्शन दूसरे नूं और दूसरे दा तुहानूं, जे किसी मॉल च जाते हो या स्कूल जाते हो काइंडली फ्लश ना करो, ये फ्लश करन नाल भी प्रॉब्लम करदा, उत्थे चोकिंग हो सकती है। बैटर ये है कि इन्हां नूं रैप करके अच्छी तरीके दे नाल डस्टबिन च सिटना चाहिए, और दूसरा इन्हां नूं बाहर किते भी नहीं सिटना, क्योंकि सॉयल च ये डीकंपोज नहीं होंदा और जे डीकंपोज नहीं होएगा तो तुहानूं भी पता है कि इनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है ये चीज़, इस करके काइंडली बेटा इन्हां चीज़ों का ध्यान रखो। और एक हुण ज़्यादातर बच्चे पुछदे हैं कि ध्यान रखना जरूरी क्यों है, ध्यान रखना बेटा इस करके जरूरी है कि जे तुसीं मैंसुरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखोगे उन्हां दिनां दे विच विजाइना का पीएच थोड़ा ऑल्टर हुंदा है, ते जिहड़ा मेन असीं कह सकते हैं विजाइना का पार्ट ओपन हुंदा है जिहदे करके कि इनफेक्शन होण दे चांसिस बहुत हो जांदे हैं। दूसरा, जदों भी तुसीं वॉश करो एक टिशू पेपर दे नाल
ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੋਵਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਰਹੇਗਾ ਉਨਾ ਉਹ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਕਾਇੰਡਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਬੇਟਾ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ।